होने के बाद भी आखिर ये राइडर बच कैसे जाते हैं? फिलहाल आपको नहीं पता तो बता दूं, MotoGP में रेस कर रहे रेसर्स अपनी बाइक को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाते हैं और ये स्पीड इतनी ज्यादा है, इतनी स्पीड में गिरने के बाद हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। बट इस रफ्तार में गिरने के बाद भी राइडर्स इसलिए बच जाते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उनको ट्रेन किया गया होता है ऐसे क्रैश में सर्वाइव करने के लिए। दूसरा, इनका जो सूट होता है उसे खास तरह से क्रैश को स्टडी करके बनाया गया होता है, उसमें इंपैक्ट को ऑब्जर्व कर सके ऐसा आर्मर लगा होता है। हार्ड प्लास्टिक से बने नी पैड्स होते हैं ताकि नी सेफ रहे और सबसे इम्पोर्टेंट एयर बैग्स होते हैं जब जैसे ही राइडर्स गिरते हैं कुछ मिली सेकंड्स में खुल जाते हैं। और ऐसे खिलाड़ी जो खेल में चीटिंग करते हुए पकड़े गए और फिर इनकी जिंदगी तबाह हो गई। सबसे पहले अमेरिका की मैरियन जॉन्स लगातार रेस जीतकर 5 मेडल जीते। जी हाँ, लगातार 5 मेडल। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने तेज भागने के लिए एस्ट्रॉइड लिया था, जिसके बाद इन बाजी से राजी खुशी सारे मेडल वापस लेकर सिर्फ 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। ये है रोमानो फेनाटी जो कि एक बाइक रेसर हैं और ऐसे ही एक रेस के दौरान 2018 में इन्होंने अपने पास चल रही बाइक का ब्रेक दबा दिया और वो भी जब वो 200 की स्पीड में थे। बाइक पे बैठे चचा की जान भी जा सकती थी और जैसे ही ऑफिसर ने ये देखा तो रोमानो को डिस्क्वालीफाई कर दी। माइकल जैक्सन ने खुद पर कितना कुछ करवाया था आइए जानते हैं। सबसे पहले माइकल जैक्सन गंजे थे, हालांकि पहले उनके बाल थे लेकिन एक शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट में सर की खाल जल गई थी और तब से ही वो स्ट्रेट बालों वाली विग पहनने लगे थे। बात करें उनकी नाक की तो वो भी एक बार डांस करते हुए गिरने से टूट गई थी, फिर बाद में 2 बार नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और तो और अपने होंठ गुलाबी करने के लिए उन पर गुलाबी इंक से टैटू करवा लिया था और उनकी आईब्रोज भी आईब्रोज नहीं बल्कि ब्लैक टैटू करवाई हुई थी। माइकल जैक्सन ने फेस पर एक भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई ऐसा कहना था। दोस्तों 2024 के 4 ऐसे फैक्ट्स जो 99% लोग जानते नहीं होंगे। नंबर 1, हम क्या कोई भी मनुष्य अपनी कोहनी चाट नहीं सकता। नंबर 2, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर 48 घंटों में 8 करोड़ रुपए कमाते हैं। नंबर 3, 85% लोग सोने से पहले वो सब सोचते हैं जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। एंड नंबर 4, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ताज तक पहुंचने के लिए आपको 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और रोनाल्डो के बाद मेसी को ही फुटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 8 बार बैलों डी और अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। मेसी ने 2008 में भी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। मेसी को रोनाल्डो से ज्यादा अवार्ड भी मिल चुके हैं। ऐसे ही नॉलेज फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल फातिमा फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें।